श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमः। श्री मद्वाल्मीकि रामायणम् किष्किंधा कांडम् प्रथमः सर्गः। पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहां की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋष्यमूक की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होना, कमल उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी, वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वहां पंपा पर दृष्टि पड़ते ही हर्षोल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा के अधीन से होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा नंदन, ये पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदूर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होते हैं। परंतु मैं इस समय भारत के दुख और सीता हरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूं। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही हैं। यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूं, तो भी मुझे ये पंपा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। ये नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इसका जल बहुत शीतल है और ये बहुत सुखदायिनी प्रतीत होती है। कमलों से ये सारी पुष्करणी ढकी हुई है, इसीलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर्प तथा हिंसक जंतु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु और पक्षी भी सब ओर छा रहे हैं। नई नई घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब ओर बिखरे हुए हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए गए हों। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के बाहर से लदे होने के कारण समृद्धिशाली प्रतीत होते हैं। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर से लिपटी हुई हैं। सुमित्रा नंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है, जिससे कामना का उद्दीपन हो रहा है। ये चैत्र का महीना है। वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं और सब ओर मनोहर सुगंध छा रही है। फूलों से सुशोभित होने वाले इन वनों के रूप को तो देखो, ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। वन के ये विविध वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं और यहाँ की भूमि को ढक देते हैं। लक्ष्मण, उधर तो देखो, जो वृक्षों से झड़ गए हैं, झड़ रहे हैं तथा जो अभी डालियों में भी लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब ओर वायु खेल सा कर रही है। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झकझोरती हुई सी वायु जब आगे को बढ़ती है, तब अपने अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर्वत के कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद्य का काम देते हैं और उन वाद्यों की ध्वनि के साथ वो वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की शिक्षा दे रही है। वायु के वेग पूर्वक हिलाने से जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर से परस्पर सट गए हैं, वे वृक्ष एक दूसरे से गुथे हुए की भांति जान पड़ते हैं। मलय चंदन का स्पर्श करके बहने वाली ये शीतल वायु शरीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। ये थकावट दूर करती हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों में गुनगुनाते हुए भ्रमरों के व्याज से ये वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गान कर रहे हैं।
अपने रमणीय पृष्ठभागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न तथा मन को लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हैं, जो वायु के झोंके से हिल रहे हैं तथा भ्रमरों को पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं। वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया है। देखो, सब ओर सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित पीतांबरधारी मनुष्यों के समान शोभा पा रहे हैं। सुमित्रा नंदन, नाना प्रकार के विहंगमों के कलरवों से गूंजता हुआ ये वसंत का समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया है। वियोग के शोक से तो मैं पीड़ित हूं ही, ये कामदेव मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। लक्ष्मण वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ ये जल कुक्कुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोक मग्न किए देता है। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनंद मग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। सुमित्रा नंदन, देखो ये पक्षिणियां नर पक्षियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही हैं, भौरों का गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही हैं। इस पंपा के तट पर यहां झुंड के झुंड पक्षी आनंद मग्न होकर चहक रहे हैं। जल कुक्कुटों के रति संबंधी कूजन तथा नर कोकिलों के कलनाद के व्याज से मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलते हैं और मेरी अनंग वेदना को उद्दीप्त कर रहे हैं। जान पड़ता है ये वसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्प के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार हैं, नूतन पल्लव ही इसकी लाल लाल लपटे हैं तथा भ्रमरों का गुंजारव ही इस जलती हुई आग का चट चट शब्द है। सुमित्रा नंदन, यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों और सुंदर केशों वाली मधुर भाषिणी सीता को ना देख सका तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। निष्पाप लक्ष्मण, वसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब ओर कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था। अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है यह मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। अपनी उस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता हूं, इसलिए मेरा ये अनंग ज्वर अब और बढ़ गया। विदेह नंदिनी सीता यहां मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा शोक बढ़ाती है तथा मंद मलया नील के द्वारा स्वेद संसर्ग का निवारण करने वाला ये वसंत भी मेरे शोक की वृद्धि कर रहा है। सुमित्रा कुमार, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ राम को और भी संताप दे रही है। साथ ही ये वन में बहने वाली चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है। ये मोर स्फटिक मणि के बने हुए झरोखों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहे हैं, इधर उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं। मयूरियों से घिरे हुए ये मदमत्त मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण, वो देखो, पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ साथ वो मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन अपनी उसी रामा का अनुसरण कर रहा है तथा अपने मधुर स्वरों से मेरा उपहास करता सा जान पड़ता है। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया है, इसीलिए ये रमणीय वनों में अपनी वल्लभा के साथ नृत्य कर रहा है।
फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहां निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है। लक्ष्मण, देखो तो सही, तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय ये मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। यदि विशाल लोचना सीता का अपहरण ना हुआ होता तो वो भी इसी प्रकार बड़े प्रेम से वेग पूर्वक मेरे पास आती। लक्ष्मण, इस वसंत ऋतु में फूलों के भार से संपन्न हुए इन वनों के ये सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीता के यहां ना होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर भ्रमर समूहों के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हर्ष में भरे हुए ये झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए से इच्छा अनुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रेमोन्माद उत्पन्न किए देते हैं। जहां मेरी प्रिया सीता निवास करती है वहां भी यदि किसी तरह वसंत छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वहां पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी। अवश्य ही जहां सीता है उस एकांत स्थान में वसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी मेरे बिना वो कजरारे नेत्रों वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा संभव है जहां मेरी प्रिया है वहां भी इसी तरह वसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुननी पड़ती होगी। अतः वह बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी जिसकी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र हैं। वो मीठी बोली बोलने वाली मेरी प्राण वल्लभा जानकी निश्चय ही इस वसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। मेरे हृदय में ये विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। वास्तव में विदेह कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली ये शीतल वायु जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राण वल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगती है। पहले जानकी के साथ रहने पर जो मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए शोकजनक हो गई है। जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कौआ आकाश में जाकर कांव कांव करता था वो उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल में वो कौआ वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। यही वो पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर वैदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज ये जैसी बोली बोल रहा है उससे जान पड़ता है कि ये मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। लक्ष्मण, देखो जिनकी ऊपरी डालियां फूलों से लदी हैं, वन में उन वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का यह मधुर शब्द विरही जनों के मदोन्माद को बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर सहसा जा बैठा है, मानो कोई प्रेमी काम मद से कंपित हुई प्रेयसी से मिल रहा हो। ये अशोक प्रिया विरही कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। ये वायु के झोंके से कंपित हुए पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। लक्ष्मण, ये मंजरियों से सुशोभित होने वाले आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदमत हृदय होकर चंदन आदि अंग राग धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार, देखो पंपा के विचित्र वन श्रेणियों में इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। देखो पंपा के जल में सब ओर खिले हुए ये सुगंधित कमल प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी सब ओर फैले हुए हैं तथा सौगंधिक कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं।
जल में प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले कमलों के द्वारा सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रही है। उन कमलों के केसरों को भ्रमरों ने चूस लिया है। इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान है तथा पानी पीने के लिए आए हुए हाथियों और मृगों के समूह से इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। लक्ष्मण, वायु के थपेड़े से जिनमें वेग पैदा होता है, उन लहरों से ताड़ित होने वाले कमल पंपा के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाते हैं। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे न देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है। अहो, काम कितना कुटिल है जो अन्यत्र गई हुई एवं परम दुर्लभ होने पर भी कल्याणमय वचन बोलने वाली उस कल्याण स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। यदि खिले हुए वृक्षों वाला ये वसंत मुझ पर पुनः प्रहार ना करे तो प्राप्त हुई काम वेदना को मैं किसी तरह मन में ही रोके रह सकता हूं। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती थी, वे ही आज उसके बिना असुंदर जान पड़ती हैं। लक्ष्मण, ये कमल कोशों के दल सीता के नेत्र कोशों के समान हैं, इसलिए मेरी आंखें इन्हें ही देखना चाहती हैं। कमल केसरों का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच से निकली हुई ये सौरभ युक्त मनोहर वायु सीता के निःश्वास की भांति चल रही है। वो देखो, पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की डाल कितनी अधिक शोभा पा रही है। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ ये पर्वत राज ऋषिमुख वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूलि की सृष्टि कर रहा है। सुमित्रा कुमार, चारों ओर खिले हुए और सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित इस पर्वत के पृष्ठभाग आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसी के जल से अभिषक्त हो बढ़े हैं और मधुर मकरंद एवं गंध से संपन्न हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं, मालती, मल्लिका, पद्म और करवीर। ये सब के सब फूलों से सुशोभित हैं। केतकी, सिंदुवार तथा वासंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई हैं। गंध भरी माधवी लता तथा कुंद कुसुमों की झाड़ियां सब ओर शोभा पा रही हैं। चिरिबिल्व, महुआ, बेंत, मौलसिरी, चंपा, तिलक और नाग केसर भी खिले दिखाई देते हैं। पर्वत के पृष्ठ भागों पर पद्मक और खिले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं। वहीं सिंह के अयाल की भांति पिंगल वर्ण वाले लोध्र भी सुशोभित हो रहे हैं। अंकोल, कुरंट, चूर्णक, पारिभद्रक, आम, पाटली, कोविदार, मुचुकुंद और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे दिखाई देते हैं। केतक, उद्दालक, शीरीष, शीशम, धव, सेमल, पलाश, लाल कुर्बक, तिनिश, नक्तमाल, चंदन, स्यंदन, हिंताल, तिलक तथा नाग केसर के पेड़ भी फूलों से भरे दिखाई देते हैं। सुमित्रा नंदन, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए हैं, उन लता वल्लरियों से लिपटे हुए पंपा के इन मनोहर और बहुसंख्यक वृक्षों को तो देखो, वे सब के सब यहां फूलों के भार से लदे हुए हैं। हवा के झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही हैं, वे ये वृक्ष झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथ से इनकी डालियों का स्पर्श किया जा सके। सलोनी लताएं मदमत्त सुंदरियों की भांति इनका अनुसरण करती हैं। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर तथा एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों के आस्वादन से आनंदित से होकर बह रही है। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से भरे हुए हैं और मधु एवं सुगंध से संपन्न हैं। कुछ मुकुलों से आवेष्टित हो श्याम वर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। वो भ्रमर राग से रंगा हुआ है और ये मधुर है, ये स्वादिष्ट है तथा ये अधिक खिला हुआ है, इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलों में ही लीन हो रहा है। पुष्पों में छिपकर फिर ऊपर को उड़ जाता है और सहसा अन्यत्र चल देता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीरवर्ती वृक्षों पर विचर रहा है।
स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्प समूहों से आच्छादित हुई ये भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गई है मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछौने बिछा दिए गए हों। सुमित्रानंदन, पर्वत के शिखरों पर जो नाना प्रकार की विशाल शिलाएं हैं, उन पर झड़े हुए भांति भांति के फूलों ने उन्हें लाल पीले रंग की शैयाओं के समान बना दिया है। वसंत ऋतु में वृक्षों के फूलों का ये वैभव तो देखो। इस चैत्र मास में ये वृक्ष मानो परस्पर होड़ लगाकर फूले हुए हैं। लक्ष्मण, वृक्ष अपनी ऊपरी डालियों पर फूलों का मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरों के गुंजारव से इस तरह कोलाहलपूर्ण हो रहे हैं मानो एक दूसरे का आह्वान कर रहे हों। ये कारंडव पक्षी पंपा के स्वच्छ जल में प्रवेश करके अपनी प्रियतमा के साथ रमण करता हुआ काम का उद्दीपन सा कर रहा है। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाली इस पंपा का जब ऐसा मनोरम रूप है, तब संसार में उसके जो मनोरम गुण विख्यात हैं, वे उचित ही हैं।